श्रीनगर में दो दिवसीय वेश्या साहित्य महोत्सव का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। मणिपुर मामले पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा सीएम बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, मणिपुर में लगे राष्ट्रपति शासन। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल की उद्धव ठाकरे के साथ बैठक, मातोश्री पर हुई है मीटिंग। बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम नीतीश, बोले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के खिलाफ थे कई लोग, जब म्यूजियम तैयार हुआ तो सब चुप हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर हमला, कहा मुझसे सवाल पूछते हो, आपकी सरकार के समय गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। कमलनाथ का शिवराज सिंह पर पलटवार, ट्वीट कर लिखा हार के डर से बौखला गए हैं मुख्यमंत्री। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में आज शुरू होगी चर्चा, 12 बजे लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे राहुल गांधी। कल और परसों भी अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, परसों शाम को 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे इंटरव्यू। बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले स्पीकर होंगे निशिकांत दुबे, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 20 नेता रखेंगे अपना पक्ष। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, आज दोपहर 12 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और अविश्वास प्रस्ताव पर बोले शशि थरूर, कहा मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी बोलेंगे, हम सरकार की विफलताओं पर जोरदार बहस करेंगे। राहुल गांधी पर फैसले का बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी किया स्वागत, बोले हम लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिलने पर जताई खुशी, कहा जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो मरेगा। यूथ कांग्रेस देश में नफरत, हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारत बचाओ संसद घेराव का आयोजन करेगी, दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर होगा ये विरोध प्रदर्शन। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद पुस्तकालय भवन में होगी ये मीटिंग।